हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर, आप लोग पूरी न्यूज़ ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सीरियस न्यूज़ है ये और छात्रों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना मैं दे दूँ। अगर आप KBS NBS DSSSB की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सरकारी टीचर बनने के लिए जो भी एग्ज़ाम्स हैं, अभी हाल में ही AES का एग्ज़ाम हुआ है, होने वाला है, तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप मुझसे परचेस कर सकते हो। 100 रुपीज़ में आपको ये 200 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो तो फॉलो कर लो, @imithunsingh। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं और ये जो क्या खबर है इसके बारे में। सबसे पहले देखिए, अगर आप चटकारे लेने के लिए आए हो या फिर इंजॉय करने के लिए खबर को आए हो, तो ये बिल्कुल वैसी न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल ही सीरियस केस है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो देखिए यहाँ पे आपको एक और इमेज दिख रही होगी जिसपे लड़कों का ध्यान नहीं गया होगा। यहाँ से देख लीजिए, आप भी ऐसे लाइनों में लगे होंगे और आपसे बोला गया होगा कि बेल्ट खोल के रख दो, आप घड़ी खोल के रख दो, हाथ में जो आपने कड़ा पहना हो या फिर हाथ में बद्दी वगैरह हो, गले में ताबीज़ हो, सारी चीज़ों को उतार लिया जाता है एग्ज़ाम सेंटर में फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, अच्छी बात है, आपको पेन पेपर, सिर्फ एडमिट कार्ड, और आपसे बोला जाता है कि आप एडमिट कार्ड और जो परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड जो है, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, वो लेकर जा सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की जो ज़्यादती हो रही है, यहाँ से आपको मैं कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स दिखाता हूँ जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस मीडिया से आए हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो नेशनल हेराल्ड, यहाँ पे देखो आप सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, टेक ऑफ योर ब्रा, नीट कैंडिडेट टोल्ड। देखिए एक्चुअली ये इशू कहाँ से आई हुई है, केरला से, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो केरला का भी यहाँ पे मेंशन है नाम, आप यहाँ से चीज़ों को देख सकते हो। वेट अ मोमेंट, जी यहाँ से देख लीजिए आप, और ये स्टेट केरला से ये चीज़ें डिस्टर्बिंग वाली खबर आई है जो कि शॉकिंग है, बिल्कुल बिल्कुल शॉकिंग है। और यहाँ से आप वायर की न्यूज़ देख सकते हो, देखिए, और ये देखो आप सबसे पहले न्यूज़ की ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 12 घंटे पहले ही न्यूज़ आई हुई है, देख लीजिए यहाँ पे, कंप्लेन दैट केरला गर्ल वाज आस्क्ड टू रिमूव ब्रा बिफोर नीट एग्जामिनेशन। यानी कि नीट एग्जामिनेशन जो कि NTA टेस्ट कराती है, NTA कंडक्ट कराती है, और ये नीट एग्ज़ाम जो है, ये जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए एक एंट्रांस एग्ज़ाम होता है। यहाँ से आप दूसरी भी इमेज देख सकते हो, देखिए यहाँ से देख सकते हो, एस्पिरेंट को जो है बोला गया कि आप रिमूव जो है कर लो ब्रा, इस तरह की चीज़ें सपोज करो। देखिए आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप देखो, आप मेंटली सबसे पहले डिस्टर्ब रहते हो एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण, और आपको सडनली वहाँ पे ये सारी चीज़ें कही जाए, तो फिर आप कैसे इन चीज़ों को लोगे। ये सिर्फ और सिर्फ मेंटली टॉर्चर है और कुछ नहीं है। देखिए आपसे भी कल को बोला जा सकता है कि आप अपनी पैंट उतार लो और आप ये पहनकर बाहर जो अंदर एग्ज़ाम हॉल है वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते हो, एंटर नहीं कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ भी कल को हो सकती है। धीरे धीरे देखना, रूल जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। देखिए रूल होना अच्छी बात है, स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात है कि एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराया जा सके, लेकिन जब भी पेपर लीक हो जाते हैं तो फिर उसके लिए जो भी स्टाफ जिम्मेदार होते हैं, कितने लोगों को सजा हो पाती है, पेपर लीक होने का जिम्मेदारी किस पे आती है। बहुत कम सिचुएशन में आप देखोगे कि बड़े से बड़े लोगों के ऊपर जो है शिकंजा कसा गया है, अदरवाइज ये सारे जो लीक वाले गिरोह हैं ये निकल जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ छात्रों के ऊपर ही सस्पिशियस एक्टिविटी का एलिगेशन लगाना कितना सही होगा। आपकी मर्जी, जो बोलते ना कि ये बेतुके जो ये तुगलकी फरमान है, ये बहुत ही नुकसानदेह है। आप कल के आपके घर में से जो कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा उसके साथ भी ऐसी चीज़ें होगी, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ। चटकारे लेने के लिए ये न्यूज़ बिल्कुल नहीं है, ये आई ओपनिंग है कैसे आप चीज़ों को देखते हो। और सबसे बड़ी बात है ना कि अब बोलोगे आप कि इसे कैसे हटाया जाए, तो सिंपल सी बात है, आपको और हमें ही आवाज़ इसके खिलाफ उठानी होगी। मैंने रात को न्यूज़पेपर पढ़ी एंड इट वॉज ट्रूली शॉकिंग, बहुत ही खबर ये जो है पीड़ा देने वाली है। तो लोगों को सामने आना होगा और सरकार के खिलाफ बोलना होगा। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है इस मामले में, इस न्यूज़ के ऊपर जो है अपनी राय बनाने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।